स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत। ये आप देख रहे हैं सढ़ौरे का प्राचीन जैन मंदिर, जहां पर पिछले 10 दिनों से 10 लक्षण पर्व आनंद चतुर्दशी के पावन अवसर पर मनाया जा रहा है। आत्म शुद्धि के लिए 10 दिन के लिए 10 धर्म का संकल्प, एक आनंद चतुर्दशी पर्व जिसको 10 लक्षण पर्व भी कहा गया है। इस मंदिर में बहुत ही आनंदमय तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया, जिसमें सकल जैन समाज जो है एकत्रित हुआ और बड़े ही भक्तिभाव से यहाँ पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उसके बाद फिर भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। साथ ही क्षमा दिवस यानी आज क्षमा मांगने का दिवस भी था, किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप जाने अनजाने में उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी जैन समाज द्वारा संपूर्ण समाज से की गई। तो आइए चलते हैं दिगंबर जैन मंदिर में और देखते हैं आज इस पर्व में किस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से अनुष्ठान किया जा रहा था। पिछले 10 दिनों से मंदिर परिसर में सुबह शाम धार्मिक अनुष्ठान किया गया, पूजा अर्चना की गई, दोपहर के समय नमोकार मंत्र का जाप किया गया और रात्रि के समय बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रंगारंग रूप से प्रस्तुत किया गया। तो आइए हम देख रहे हैं इस वक्त मंदिर परिसर में किस प्रकार से 10वें दिन जो है आत्म शुद्धि के लिए सभी भक्तिभाव से जैन समाज के लोग, सकल जैन समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आत्म शुद्धि के लिए साथ ही क्षमा प्रार्थना सभी से, सर्व समाज से, कि किसी प्रकार की त्रुटि जाने अनजाने में हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो भगवान महावीर जैन जी के स्वरूप के समक्ष ये सभी धार्मिक अनुष्ठान जो है विधि विधान पूर्वक संपन्न किया गया और उसके बाद पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का स्थान स्थान पर भव्य स्वागत किया गया।
चतुर्दशी के पावन अवसर पर हम सकल जैन समाज ने यह शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली है और इस उपलक्ष पर सकल जैन समाज दिगंबर स्वतंबर जितने भी हमारे जैन समाज सभी उपस्थित है और सबने हर्षोल्लास के साथ यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया है और चढ़ोरों में नगर वासियों को इसकी हार्दिक बधाई है। धन्यवाद। जैन समाज के अंदर भविष्य पर अष्टम पर्व के रूप में बहुत महत्व का त्यौहार है, इसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हम 10 दिन पूजा प्रक्षाल वगैरह करते हैं और 10 धर्मों का पालन करते हैं। आज अष्टम धर्म का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में, इसका बहुत ही महत्व है। इसमें क्या बोलते हैं, 10 धर्म के अंतिम दिन के अंदर बड़ी धूमधाम से नगर में शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर जी से शुरू होती है और बाजार में मुख्य बाजारों से होती हुई वापस दिगंबर जैन धर्मशाला मंदिर जी में खत्म होती है, जिसमें सकल जैन समाज उपस्थित होता है। बाद में इनका भगवान जी का नमन होता है। हम सभी नगरवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। स्टेट न्यूज 71 का यहाँ पधारने पर हार्दिक धन्यवाद करते हैं। समस्त जैन समाज की तरफ से सतपाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन 10 लक्षम पर्व का दिन है और आज का दिन बड़े धूमधाम से सढ़ोरा नगर में पूरी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सढ़ोरा वासियों ने बहुत हमारा स्वागत किया और इस उपलक्ष्य में उनको बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हमारा क्षमा भावनी का दिन भी है और हम समस्त सढ़ोरा वासियों से, समस्त जैन समाज, कोई गलती होने पर क्षमा भाव करते हैं और इस अवसर पर सभी को जैन समाज की तरफ शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस शोभा यात्रा के माध्यम से सकल जैन समाज ने संपूर्ण समाज को अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया, साथ ही एकता, मित्र भाव, सद्भावना, सर्व कल्याण, मंगल भावना का भी एक अच्छा खासा संदेश समाज को दिया। बहुत ही सुंदर झांकियां थी जिसको सर्व समाज ने खूब सराहा और जगह जगह पर भव्य स्वागत भी शोभा यात्रा का किया गया। जैन धर्म अपनी स्थापना से लेकर आज तक लोगों को एक मानवता के संदेश के साथ साथ जीवों के प्रति हमदर्दी, उनके प्रति प्रेम प्यार का संदेश भी देता रहा है। साथ ही अहिंसा परमो धर्म का भी एक बहुत बड़ा पाठ पूरे विश्व को पढ़ाता रहा है। और इसी तरह संदर्भ में आज सकल जैन समाज द्वारा पुलिस प्रशासन से एक प्रार्थना की गई थी, तो आज के दिन चूंकि अहिंसा परमो धर्म का एक संदेश और एक क्षमा प्रार्थना का एक संदेश लेकर जैन समाज के लोग बाजार से निकलने वाले थे, तो एक प्रार्थना एहडीएम बिलासपुर तक पहुंचाई गई थी कि आज के दिन सढ़ोरा के बाजार के अंदर बाहर बाईपास पर कोई भी कसाई की दुकान, मीट आदि की दुकान वो ना खुले, ताकि ये अहिंसा के प्रेमी लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिना विचलित हुए नगर से, बाजार से, बाईपास से गुजर सके। मगर एहडीएम बिलासपुर ने तो अपना काम कर दिया, उस बारे में नोटिस पुलिस के पास गया, तहसीलदार के पास भी आया, मगर आगे से कार्रवाई ना हुई। आज सभी बूचड़ की दुकानें, कसाई जिनमें मीट आदि बिकता है, वो दुकानें खुली रही, जिससे जैन समाज के अंदर काफ़ी रोष, और ना ही पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन थी, कोई पुलिस होमगार्ड के जवान भी इस शोभा यात्रा के साथ नहीं चल रहे थे। इससे जैन समाज के अंदर एक गहरा रोष भी देखने को मिल रहा है। जैन समाज का ये कहना था कि कम से कम पुलिस प्रशासन को उनकी बात को स्वीकार करते हुए आज के दिन बूचड़खाने बंद रखने चाहिए थे, ताकि वो अहिंसा परमो धर्म का पाठ लोगों को पढ़ाते हुए, संदेश देते हुए, लोगों से क्षमा मांगते हुए अपनी शोभा यात्रा को, जो कि दिगंबर जैन से मंदिर से आरंभ होकर वापस उसी मंदिर तक सढ़ोरा के मुख्य बाजार से गुजरते हुए वापस जो है समाप्त हुई थी। तो पुलिस प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए था और शोभा यात्रा को सुरक्षा भी देनी चाहिए थी, और साथ में आज के दिन अनाउंसमेंट कराकर या विशेष नोटिस भेजकर जो कसाई की दुकान है उनसे निवेदन कर देना चाहिए था। यकीनन ये लोग अपनी दुकानें आज बंद भी रखते। पुलिस प्रशासन की लापरवाही के प्रति जैन समाज में रोष तो है, लेकिन अहिंसा को परमो धर्म मानने वाले ये लोग अपने रोष को मन में ही रखेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में जैन समाज की कोई भी इस प्रकार की झांकी, कोई उत्सव निकले या मंदिरों में कोई ऐसा भव्य आयोजन हो, तो उस दिन तो कम से कम जो आसपास के दुकानें, बूचड़ जो है जहाँ पर मीट आदि बनता है या
पशु आदि जो है उनका कत्ल किया जाता है, तो उस दिन तो कम से कम ये रोके जाने चाहिए। और साथ ही ये भी निवेदन करेंगे कि जो इस प्रकार की दुकानें अवैध रूप से सडौरा के बाहर बाईपास पर बनी हुई हैं, उनके पास जाकर जरूर उनका आधार पहचान पत्र आदि चेक करें, ताकि पता लग सके वो कहाँ से आए हैं, क्या वो यहाँ के रहने वाले हैं या बाहर के रहने वाले हैं। खैर, आज के इस शोभा यात्रा में और जो धार्मिक अनुष्ठान मंदिरों में कराया गया, उसमें जैन समाज के किशोर व युवा वर्ग की काफ़ी कुछ भूमिका रही। उसमें पंकज जैन, नीरज जैन, राहुल जैन, सोही जैन, विनोद जैन, दीपक जैन, गौरव जैन, नवीन जैन, ऋषभ जैन सहित अनेकों किशोर व युवा जो है जैन समाज के लोग शामिल हैं। जो वरिष्ठ, जो बुजुर्ग, जो लोग जैन समाज के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में इन युवा किशोरों ने अच्छे ढंग से शोभा यात्रा का संचालन किया, और साथ ही मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान बहुत ही विधि विधान पूर्वक धार्मिक भाव से, एकता और समभाव से संपन्न कराया। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से जैन समाज सहित संपूर्ण समाज को जो है आज के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, और अहिंसा परमो धर्म को जो है सभी स्वीकार करें, ऐसी जो है प्रार्थना भी करते हैं। जय जिनेन्द्र देव, धन्यवाद।